हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीमैट अकाउंट के बारे में। और डीमैट अकाउंट आखिर में होता क्या है? तो सबके माइंड में यही ख्याल होता है कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी पूरी डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला। तो डीमैट अकाउंट लोगों के द्वारा शेयर को खरीदने या बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिस प्रकार लोग अपने पैसे बैंक अकाउंट में रखते हैं, उसी तरह से लोग डीमैट अकाउंट में अपने शेयर रखते हैं। जबकि जब भी हम अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकालते हैं तो वह हमें भौतिक रूप से मिलते हैं, लेकिन जब हम किसी और के लिए ट्रांसफ़र करते हैं तो वो डिजिटल करेंसी मानी जाती है। जब भी हम डेबिट कार्ड से कहीं पर पेमेंट करते हैं तो उसे डिजिटल पेमेंट कहा जाता है। यही कि इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र का एक टाइप होता है। इसी तरह से हमारे पास डीमैट अकाउंट के शेयर होते हैं जो कि हम दूसरे व्यक्ति के डीमैट अकाउंट में डिजिटली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऐसे में हम शेयरों को भौतिक रूप में रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। दूसरों शब्दों में कहा जाए तो शेयरों को डिजिटली यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखने की सुविधा को डीमैट कहते हैं। डीमैट का पूरा नाम डीमैटराइज होता है, और सिक्योरिटीज यानी शेयर को आधिक रूप से बदलने की प्रक्रिया को डीमैटराइजेशन कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, पुराने समय में जब भी आप कोई शेयर खरीदते थे तो आप कंपनी आपको उसे शेयर से जुड़े हुए दस्तावेज भेजती थी, लेकिन वह इस बात का सबूत था कि आपने शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है। पर आप जब भी आप वह शेयर बेच देते थे तो पहले भी दस्तावेज कंपनी के दफ्तर में जाता था। वहाँ पर कंपनी द्वारा देखा जाता था कि जब आपने शेयर बेचा था तब उसका भाव क्या था, और उसी के मुताबिक आपको पैसा मिलता है। यह प्रक्रिया काफ़ी समय खराब करने के साथ साथ बहुत ही इसमें समय खराब हो जाता है। लेकिन पर आज के समय में दुनिया ने काफ़ी तरक्की कर ली है, तो इस आपने जैसे ही शेयर खरीद वह कुछ ही समय बाद आपके बैंक में अपने जो डीमैट अकाउंट है उसमें आ जाता है। और अगर आप कोई शेयर को बेचते हैं तो उसका पैसा तुरंत ही आपको दे दिया जाएगा। आजकल तो आपको शेयर खरीदने या बेचने के लिए कंप्यूटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप अपने मोबाइल से भी इसे डीमैट में अकाउंट में अपने शेयर खरीद या फिर बेच सकते हो। डीमैट अकाउंट तक पहुंचने के लिए आपको पासवर्ड की ज़रूरत होती है, और उसके ट्रांजैक्शन के लिए यानी कि शेयर खरीदने और बेचने के लिए आपको एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी दिया होता है। तो ये बेसिक नॉलेज है डीमैट अकाउंट के बारे में। तो इसमें आपने क्या सीखा कि डीमैट अकाउंट सिर्फ इतना ही एक अकाउंट है जहाँ पर आप अपना शेयर खरीद सकते हो या फिर बेच भी सकते हो। तो आगे की जानकारी जो है वो अगले वीडियो में आएगी।